जय मसीह की। दोस्तों, यीशु के गीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यीशु के गीत के इस एपिसोड में हम लेकर के आए हैं आईफोन, आईपैड, इन पे गैराज बैंड में पियानो कैसे बजाया जाए। बहुत सारे इसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, गिटार, ड्रम्स, लेकिन अभी हम आपको सिखाएंगे कि इस पे पियानो कैसे बजाया जाता है और उसमें क्या फीचर्स हैं, किस तरीके से कि अगर आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप अपने मोबाइल या आईपैड के जरिए कैसे प्रभु की हम तो सिताइश कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा। तो आइए सीखते हैं पियानो ऑन गैराज बैंड। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, गैराज बैंड में आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सबसे पहले कीबोर्ड, पियानो, सिंथेसाइजर, गैराज बैंड। सबसे पहले हम प्रेस करेंगे इस आइकन को, ये जो गिटार बना हुआ है गैराज बैंड का। आपके सामने ये स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन के अंदर आप ये प्लस का बटन दबाएंगे तो एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। इस नई फाइल में आप देख रहे हैं सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड का ऑप्शन आता है आपके पास में, कीबोर्ड, स्मार्ट पियानो, एल्केमी सिंथ, सैम्पलर एंड मोर साउंड। कीबोर्ड के अंदर हो सकता है आपको एल्केमी सिंथ ना मिले क्योंकि ये नए वाले आईपैड्स और नए आईफोन्स में आता है, लेकिन स्मार्टफोन आपको मिलेगा, पियानो मिलेगा, सैम्पलर मिलेगा, मोर साउंड्स मिलेंगी। तो इस पे जो सबसे बड़ा आइकन हमें दिख रहा है पियानो का, हम इसे प्रेस करते हैं। इसको प्रेस करते ही हमारे सामने एक नई स्क्रीन आ जाती है जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक परिवार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक परिवार जिसमें 8 तरीके की कॉर्ड्स दी हुई हैं। और ये जो कॉर्ड्स दी हुई हैं बाई डिफ़ॉल्ट इस ग्रैंड पियानो के लिए दी हैं। मैं इसमें आपको एक एक करके बटन सारे समझा देता हूँ कि अगर मैं इसमें पहला बटन ये प्रेस करता हूँ तो वापस मैं इसमें से एल्केमी या कुछ और ले सकता हूँ। ये मैं वापस बाहर आ गया और मैं वापस उसी जगह आ गया जहाँ से मैं चला था। सेकंड बटन यहाँ से है जो कि हमें ट्रैक देता है, यानी कि अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है तो किस ट्रैक में करनी है। इसको अगर हम ओपन कर देते तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी पियानो, ग्रैंड पियानो की रिकॉर्डिंग होगी अगर हम रिकॉर्डिंग करें तो। वापस हम यहाँ से आ गए। अगर हमने थर्ड बटन प्रेस किया तो ये हमें बताता है कि हमारे जो ट्रैक की सेटिंग्स है वो क्या है, आउटपुट हमारा कितना वॉल्यूम जा रहा है, पैनिंग यानी कि हमने इसकी आवाज़ लेफ्ट पे रखी है, राइट में रखी है या सेंटर में रखी है, स्टीरियोफोनिक दोनों चैनल्स में जाएगी, स्पीकर ऑन करना है नहीं करना है, हेडफोन ऑन करना है नहीं करना है, इस ट्रैक की आवाज़ चाहिए नहीं चाहिए, प्लगइन्स में कंप्रेसर कितना चाहिए, ट्रेबल कितना चाहिए, बास कितना चाहिए, इस जो इंस्ट्रूमेंट है एको कितना चाहिए, रिवर्ब कितना चाहिए। और वापस आ जाते हैं हम दोस्तों इसको ऑफ करके, जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा था ये हम कहीं भी अगर रिकॉर्डिंग करके जा रहे हैं तो वापस कहाँ कैसे लौटना है। ये प्ले का बटन है हमारे पास, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है, ये मेट्रोनोम है जो हमें बीट देगा, अगर हमने कोई बीट नहीं ली है तो टिक 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 ये आपको बीट टाइमिंग देगा रिकॉर्ड करने के लिए। ये सेटिंग्स हैंगी और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं तो ये बटन है। कितनी देर तक रिकॉर्डिंग होगी उसके लिए ये प्लस का निशानियाँ दे रखा है कि यानी कि आप जो है 8 बार पे रिकॉर्डिंग करनी है, डुप्लीकेट करना है 8 के 8, 16 बनाने हैं, ऐड करना है यानी कि कितने बार आपको ऐड करना है इसके अंदर। यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपको कर्सर दिखा रहा है कितने मेजर, कितने बीट्स के ऊपर आपका कर्सर पहुँच गया है रिकॉर्डिंग करते वक्त। इसके बाद ये पियानो है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ यहाँ से तो ये दिखाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, ये सारा बैंक है इसका, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं हमारे को। अगर कीबोर्ड्स है तो कीबोर्ड्स के कौन से हैं, एल्केमी के कौन से हैं, सिंथ क्लासिक के कौन से हैं, सिंथ लीड के कौन से हैं, पैड के कौन से, और नीचे जाते हैं तो इफेक्ट्स दे रखे हैं अदर्स के अंदर भी, और जो अभी हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट या फॉरन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, वो भी दे रखेंगे जिससे आपको कोई गाना कंपोज करना या बजाना है उसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाए। तो वापस आते हैं दोस्तों कीबोर्ड पे, ग्रैंड पियानो पे, और इसको हम यहाँ से डन कर देते हैं। ये आप एक देख रहे हैं ऑटो प्ले का पैटर्न है यहाँ पे। ऑटो प्ले का पैटर्न क्या करता है, अगर मैं इसको 1, 2, 3, 4 तरीके के पैटर्न्स दिए हैं तो अपने आप ये पैटर्न बन जाएगा, जैसे आप ऑटो अकम्पनीमेंट किसी कीबोर्ड में बजाते हैं ये उस तरीके से काम करता है। सस्टेन का बटन है जब आपको रिवर्ब डिले चाहिए वो काम करता है। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये बटन बहुत ही खूबसूरत बटन, मैं जिसको कहूँगा आरपेजिएटर, जो कि शुरू से चला आ रहा है, रन बताते हैं इसके अंदर कितना सेट करना है, कितने ऑक्टेव्स में आपको रन करना है उस हिसाब से काम करता है। और ये जो लास्ट बटन जो हमारा शुरू में मैंने आपको दिखाया रेड कलर का बटन, इसको अगर मैं प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरे कीबोर्ड पे आ जाता है, यानी कि जो मेरे कॉर्ड का जो पूरा फैमिली आ रहा था वो हटके वापस मैं कीबोर्ड पे आ गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे गामा पाधा निसा। ये जो मेरे 7 सुर आपको नज़र आ रहे हैं
ये मैं कहीं भी बजा सकता हूँ इसको, कहीं भी ऊपर के कीज पे, नीचे कीज पे, जो फैमिली मेरे को पता है। अभी जो इस पे फैमिली डाला हुआ है वो सी फैमिली है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सी फैमिली डाला हुआ है। अब जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं कोई गाना बजाना चाहता हूँ तो ये पॉलीफोनिक है। पॉलीफोनिक मतलब एक के साथ उसी समय दूसरा की भी दब जाएगा, तीसरा भी दब जाएगा, चौथा भी दब जाएगा, पांचवा छोटा। तो आप इसमें कोई गीत बजा सकते हैं, पियानो को यूज कर सकते हैं, अगर आपको सस्टेन चाहिए सस्टेन यूज कर सकते हैं, आप सस्टेन हटा सकते हैं आप इसमें। ये जो मेरा कीबोर्ड बज रहा है आप इसमें देख रहे हैं, ये जो निशान नजर आ रहे हैं आपको, ये मैं इसको ट्रांसपोज कर दिया, एक माइनस ऊपर कर दिया और एक ऑक्टेव ऊपर, जीरो पे रख लेते हैं। सस्टेन मैंने आपको बता दिया है। ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ पे, ये बटन प्ले करने के लिए तो है ही है, साथ में आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। पूरे कीबोर्ड को पकड़िए, आपको हाई ऑक्टेव चाहिए हाई ले आइए, लो चाहिए आप इसमें लो ला सकते हैं। स्केल्स ये बहुत एडवांस है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको ऑफ कर देते हैं हम। इसके अंदर आप चाहें तो आप अपने मनपसंद स्केल भी ला सकते हैं, जिसको कीज का थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है, फिर आपको वही स्केल आएगा, वही नोट्स आएंगे, आप उस नोट्स में बजाइए, आपकी गलती होने का बिल्कुल चांस नहीं होता। ये जो आप निशान देख रहे हैं, इस निशान के थ्रू आपको यहाँ पे सिंगल कीबोर्ड, डबल कीबोर्ड, मोटा कीबोर्ड, मीडियम कीबोर्ड और पतली कीज आपको नज़र आती हैं। वेलोसिटी कंट्रोल आप रखना चाहते हैं, की कंट्रोल रखना चाहते हैं, ये दो इन्होंने लेफ्ट और राइट फिंगर्स की मूवमेंट के हिसाब से दे रखेंगे। जैसे मैं इसको डबल करता हूं, देखिए यहां पे यहां से आप इसको ऑक्टेव भी चेंज कर सकते हैं और इसको यहां से आप सिंगल भी ले सकते हैं, मोटे मोटे कीज भी ले सकते हैं ताकि बजाने में आसानी रहे, आप इसको नॉर्मल की भी ले सकते हैं और आप इसको यहां से, ये जो डबल है यानी कि ऊपर से आप लेंगे इसको तो यहाँ आपको डबल मिलेगा, सिंगल मिलेगा और नीचे से उसका साइज क्या चाहिए वो मिलेगा। यानी मैं डबल में इसको अगर बहुत ही पतला रखना चाहता हूँ यहाँ आ गया, छोटी छोटी कीज, अगर मोटी मोटी कीज चाहिए तो मेरे को मोटी मोटी कीज भी, ताकि बजाने में मुझे आसानी रहे। तो मैं यहाँ से सिंगल कीबोर्ड, ये मोटे कीबोर्ड आ रहे हैं मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकता हूँ, नॉर्मल मीडियम साइज मेरे पास आ गया। अब वापस चलते हैं जहाँ मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कॉर्ड पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। ये जो कॉर्ड फैमिली है ये आपको मिलती है टेम्पो, टाइम सिग्नेचर, की सिग्नेचर से। अगर मैं आपको बताऊं कि की सिग्नेचर जो सी है, आपका गाना अगर डी फ्लैट में, डी में है, ई फ्लैट में, मेजर में, वो आपको अगर मालूम है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है आप गाने के ट्यून से भी कीज ढूंढ सकते हैं, जो शॉन और शैनन आपको सिखा रहे हैं हमारी अदर वीडियोस अगर आप देखें तो वहाँ पे कि किस तरीके से स्केल को आइडेंटिफाई किया जाता है। सी डी माइनर, अगर मैं डी माइनर बजाना चाहता हूँ, ये मैंने डी माइनर किया, मेरे डी माइनर की कॉर्ड आ गई यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर जिस तरीके से दिखाया सी लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सीधा गया की सिग्नेचर में, सी करा, सी का मेजर किया और मैंने इसको बंद किया और ये मैंने सी मेजर के पूरा पियानो मेरे पास आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे 8 के 8 ऑक्टेव्स आ गए जहां पर बेस चल रहा है मेरा और पैटर्न चल रहे हैं। जैसे जैसे कि आप पियानो बजा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से आपने अपना थंब और फिंगर यूज करी है पैटर्न बजाने के लिए और यहां से आपने कॉर्ड यूज करी है। तो जो काम एक पियानो पे आप करते हैं या कीबोर्ड पे या सिंथ पे आप करते हैं वो काम आप यहां पर इस पैटर्न में कर सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। ये आपने देखा कि किस तरीके से मैंने अपने गाने के साथ इस कॉर्ड को बजाया। लेकिन अगर मैं जानना चाहता हूँ कि किस पैटर्न पे ये बज रहा था, किस रिदम पे मैं इसको कर रहा था, तो देखिए मैं जाता हूँ टेम्पो में। आज का दिन, तो मैं इस पर खाली बीट 1 2 3 4 करूँगा और ये मेरे को उसका टेम्पो बता देगा। आज का दिन यहोवा, देखिए 116 120, ये इसने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके बता दिया, जिसको हम यहाँ पे राउंड ऑफ ले सकते हैं 120। अगर मैं इसे 120 करता हूँ और यहाँ ऑटो पैटर्न डाल देता हूँ कोई सा भी, अब ये उसी पैटर्न पे अपने आप बजाएगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
अब इसने अपने आप पकड़ लिया इसको, यानी कि आप इसको अगर बजाना चाहते ऑफ करेंगे तो अपने आप देखिए आपको बजाने लायक आ गया आपको, और अगर ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिक आ गया। तो ये रहा ग्रैंड पियानो, ये इसका कॉर्ड पैटर्न, इस कॉर्ड पैटर्न पे कॉर्ड कैसे बदलना है। टाइम सिग्नेचर 4/4 ले सकते हैं, 3/4 ले सकते हैं, 6/8 ले सकते हैं, जैसा आपके गाने की डिमांड है आप वैसा यहाँ से ले सकते हैं। वो जो मैं आपको रिदम सेक्शन बताऊँगा तब बताऊँगा कि उसको आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी पियानो और इसकी जो एक इंट्रोडक्शन है वो हम आपको दे रहे हैं और किस तरीके से बजाना है वो बता रहे हैं। आगे आपके जो सुझाव आएंगे उसके बेस पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और आपको पैटर्न सिखा सकते हैं कैसे जाना है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस पे ट्यून कैसे बजाई जा सकती है, लीडिंग कैसे बजती है इस गाने की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदितों। ये जो मैंने बजाया जैसे मैं आपको कॉर्ड बजा के दिखा रहा था, अब मैंने आपको इसमें लीड बजा के दिखाई है। जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे इसी की तरह आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। आईपैड में तो बस आप इस फिंगर को इस तरीके से करिए और नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा आपका, आप इस इंस्ट्रूमेंट पर बजा सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए या आप बटन प्रेस करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं। जैसे बताया अदर्स में काफ़ी अच्छे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, आप ये देखिए वॉयलन, स्ट्रिंग्स, उतू, पेबा, ब्रास, फ्रेंच, फ्लूट, देखें फ्लूट को आप कैसे बजा सकते हैं। यहाँ से डन कर दीजिए, फ्लूट बजा सकते हैं आप, सस्टेन यूज़ कर सकते हैं, स्केल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इस पर कुछ ही बटन्स और दे रखे हैं, यानी कि जैसे पिच बेंडर का यूज़ कर सकते हैं, वेलोसिटी की एकदम से आवाज़ अटैक के साथ आनी या धीरे धीरे आनी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे ब्रास है, डन करिए, ये आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं। अगर कैसे करने हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स भी दे रखे हैं इसके अंदर, आप इफेक्ट्स भी यूज़ करते हैं। एल्केमी सिंथ मैं अपने जो अगले एपिसोड है उसमें बताऊंगा आपको, क्योंकि वो काफ़ी डिटेल में बताने वाली चीज़ है। और कीबोर्ड के अंदर ही ये आपके अलग अलग टोन्स हैं, जैसे हम लोग चर्च में यूज़ करते हैं सोल ऑर्गन आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप ऑर्गन का बटन प्रेस करते हैं तो ये कीबोर्ड आपको नज़र आता है। इस कीबोर्ड के अंदर आप यहाँ से डिस्टॉर्शन अगर आपको यूज़ करनी है यूज़ करिए, मुझे डिस्टॉर्शन के साथ अच्छा लगता है, मैं इसे ऑफ़ कर सकता हूँ। ये आपका ऑर्गन बज गया। आप इसमें ड्रॉअर यूज़ कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए जो बड़े बड़े एक्चुअल ऑर्गन के फीचर्स हैं वो आप ले सकते हैं टोन्स बनाने के लिए। इस तरीके से आप इसमें ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गन की डिफरेंट टोन्स ले सकते हैं। इसमें आप जो रोटेशन फ़ैन है वो यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने फ़ैन ऑन किया, ये फ़ैन की स्पीड देखिए आप, ये बढ़ गई है। तो अब जो टोन हो रही और अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो देखिए इसकी, और फिर देखिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये आप रोटेशन फ़ैन इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोरस आपको चाहिए नहीं चाहिए, आपको परकशंस टक 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 जो आवाज़ आ रही है वो आपको एकदम अटैक के साथ चाहिए नहीं चाहिए, ऑर्गन में आप ये टोन्स अपनी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैं बताया डबल की यूज़ करनी है वो आपके पास बटन है, डबल कीज़ के भी साथ यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ऑर्गन प्लेइंग के लिए बहुत अच्छा है, पियानो प्लेइंग के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप इसमें ट्रैक रिकॉर्ड करेंगे तो ये जो मैंने आपको बताया किस तरीके से आप यहाँ से चेंज करें, यहाँ से आप एक एक इंस्ट्रूमेंट लेकर के और उसके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, और अगले एपिसोड में फिर मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से गैराज बैंड के इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। और अगला लेसन जो हमारा होगा वो होगा गिटार के ऊपर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको गैराज बैंड पे पियानो लर्निंग? पियानो लर्निंग के बाद अगले जो लेसन आने वाले हैं वो हैं गिटार, ड्रम्स, सिक्वेंसिंग, सैम्पलर।
इन सब प्रोग्राम्स को देखते रहिएगा और हमें ज़रूर बताते रहिए कि आपको प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं, हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं। जानने के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिए इसे आप, और हमारा जो इंस्टाग्राम है आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा yeshukegeet.com हमारी वेबसाइट है। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है तो yeshukegeet.com पे आइए, वहाँ आपको लिरिक्स मिलेंगे, गाने की नोटेशंस मिलेंगी, गाने के साथ आपको गाने के नोट्स भी मिलेंगे और वहाँ आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप हमारे सारे अपडेट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो आने वाले एपिसोड तक, तब तक के लिए जय मसीह।